तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और अब हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी के सेगमेंट में आ गए हैं। लेकिन इस चैप्टर के आखिरी के जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और रिपीट भी होते रहते हैं, जैसे कि पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकॉर्पी, डबल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये आखिरी के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव प्लांड अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर यू विच विल मेक इट वेरी सिंपल टू यू। लेकिन आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। लेकिन आपने अगर नहीं देखा है तो हम रिवाइज करते हुए चलेंगे पिछली बातों को, लेकिन इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड जस्ट मेक श्योर, अगर आप 20 से 25 मिनट का ये वीडियो पूरा देखेंगे तो जो भी कंफ्यूजन रहता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप फोड़ के रख देंगे। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको रिवाइज कराऊं। जब मैंने बात किया था अबाउट पॉलिनेशन, तो मैंने आपको बताया होगा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। हो सकता है इस पॉलन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हो, या दो अलग अलग फ्लावर एक ही प्लांट के हो, या फिर दो अलग अलग प्लांट के बीच में हो। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन हम पॉलिनेशन को तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। अगर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे तो ऑटोगैमी, या फिर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, दैट इज ज़िगोटोगैमी, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी एक डायसियस प्लांट के एंथर से पॉलन निकले और किसी दूसरे डायसियस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के डिपॉजिट हो जाए, दैट इज ज़िगोटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट्स जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में, यानी यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स टेक पार्ट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और वी कैन से इन द प्रोसेस ऑफ ज़िगोटोगैमी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि ये जो दो डिफरेंट प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन टेक पार्ट कर रहे हैं, ये सेम स्पीसीज के होने चाहिए, क्योंकि ये पॉलन ट्रांसफर या गैमीट ट्रांसफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में परमिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसको अंस मेयर ने प्रपोज किया था, क्लास 11 पे हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। लेकिन एट एनी कंडीशन अगर कर भी लेते हैं तो यहाँ पे इनकी जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है वो स्टराइल होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है सेक्सुअली। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे पॉलन ट्रांसफर या गैमीट ट्रांसफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पॉलन ट्रांसफर या गैमीट ट्रांसफर सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स के बीच में ही अगर हो रहा है तभी ये करेक्ट ट्रांसफर है, किसका, पॉलन का, तभी ये राइट टाइप क्या है, पॉलिनेशन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर एक बात आपको याद हो कि ये जो पॉलन का ट्रांसफर है जिसको पॉलिनेशन बोल रहे हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किए जा रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पे, इसमें बहुत सारे एजेंट्स या एजेंसीज इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, विच मे बी बायोटिक और एबायोटिक, जो बायोटिक भी हो सकती हैं या एबायोटिक हो सकती हैं। बायोटिक में जैसे कि देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और वी कैन से इन द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ऐसे विंड और वाटर भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो कि विंड और एयर के पास तो कोई कॉन्शियस है नहीं, और अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक
एनिमल की बात करें जो पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर रहा है, किसी पॉलिन को ट्रांसफर कर रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके थ्रू पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर भी हो जा रहा है। वो तो नेक्टर सर्च कर रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, उसके चक्कर में उससे पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो जा रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। जब इसको पता ही नहीं है कि मैं ये भी काम कर रहा हूँ, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर भी कर रहा हूँ, तो उससे इस बात से मतलब ही नहीं है ना। जब उसको पता ही नहीं है तो मतलब भी नहीं है कि हम किस टाइप के पॉलिन को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो यहां पे पॉलन ग्रेन जो है वो विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स रैंडमली किसी का भी पॉलन किसी के भी फ्लावर पे जाकर के लैंड कर सकता है या डिपॉजिट हो सकता है। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एजेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहां पे रैंडमली किसी भी फ्लावर का पॉलन किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर सकता है। जैसे कि अगर हम इस फ्लावर को देखें तो इसमें हमने सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए एक पार्ट बनाया है, फीमेल पार्ट, दैट इज पिस्टिल, और ये जो फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। सपोज ये जो पिस्टिल है ये हिबिस्कस के फ्लावर की है, गुड़हल की, तो इस पे जो पॉलन आना चाहिए, इसके स्टिग्मा पे जो पॉलन आए वो गुड़हल का ही हो, हिबिस्कस का ही हो, तभी ये सही पॉलन है, तभी ये राइट पॉलन है। और अगर हिबिस्कस के स्टिग्मा पे हिबिस्कस का ही पॉलन आ रहा है तो ये राइट है, और राइट पॉलन को मैं यहां पे बोल रहा हूं कंपैटिबल पॉलन, यहां पे मैं बोल रहा हूं कंपैटिबल पॉलन। और लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे रैंडमली पॉलिनेटिंग एजेंट्स किसी का पॉलन किसी के फ्लावर पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो हो सकता है इस पे मैरीगोल्ड का भी आ जाए, हो सकता है इस पे चाइना रोज का आ जाए, पी का आ जाए, किसी का भी आ सकता है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को पता ही नहीं है कौन से पॉलन को कहाँ ट्रांसफर करना है। तो अगर हिबिस्कस के स्टिग्मा पे हिबिस्कस का आ रहा है तो ये राइट टाइप का पॉलन है, ये करेक्ट पॉलन है, इसको हम कंपैटिबल पॉलन बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस पे मैरीगोल्ड या किसी अदर स्पीसीज का पॉलन आ जा रहा है तो ये इनकरेक्ट या रॉन्ग टाइप का पॉलन है, और ऐसे पॉलन को हम लोग बोलते हैं इनकंपैटिबल पॉलन। ऐसे पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलेंगे इनकंपैटिबल पॉलन। या फिर आप लोग जानते होंगे पिछले लेक्चर में हमने बात भी किया था अबाउट सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी इन टोबैको प्लांट, टोबैको के फ्लावर में अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के थ्रू या पिस्टिल के थ्रू। और ऐसे पॉलन जो अपने ही पॉलन इनकरेक्ट है यानी कि वो सेल्फ इनकंपैटिबल है, और फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी। There are some important genes which are taking part in the process of incompatibility. ये genetic phenomena है, उसको हम लोग डिटेल में genetics में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन information ये है, या तो ये incompatible हो सकते हैं different species के हो सकते हैं, या फिर self incompatible हो सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कौन से pollen की, compatible pollen की। Pistil को ज़रूरत है कौन से pollen के, right type के या correct pollen की, यानी कि compatible pollen की। लेकिन यहाँ पर रैंडमली क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है पॉलन ग्रेन का विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स। तो अब बात ये आती है कि ये जो पिस्टिल है ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये जो पॉलन आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं ये कंपैटिबल है या इनकंपैटिबल है, क्योंकि ये जो स्टिग्मा रिसेप्टिव सर्फेस है, स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रही है, सपोज हवा बह रही है और उसमें कई सारे टाइप्स के पॉलन हैं और वो हिबिस्कस के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के डिपॉजिट हो जा रहे हैं, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलन हो सकते हैं, थाउजेंड्स टाइप के क्या हो सकते हैं पॉलन हो सकते हैं। अब स्टिग्मा को या पिस्टिल को डिसाइड करना है कि कौन से पॉलन को वो एक्सेप्ट करेगी, यानी ये पिस्टिल जो है इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसको पहचानना है कि कौन राइट टाइप का पॉलन है। तो मेरे कहने का मतलब कि कैसे ये जो पिस्टिल है या कार्पेल है ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये वही पॉलन है जिसको हमें इंतजार था, ये यही राइट टाइप का मेरा वाला ही पॉलन है, या फिर ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है। कैसे ये रिकॉग्नाइज करेगी, कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी बिटवीन कंपैटिबल या इनकंपैटिबल पॉलन ग्रेन में। तो बेसिकली ये जो पिस्टिल है ये कैसे डिफरेंशिएट करेगी, कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कंपैटिबल या इनकंपैटिबल पॉलन ग्रेन को, उसी को हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में। तो हमें
हमें इस कॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में ये सीखना है हाउ विल पिस्टल मेक श्योर कि ये जो पॉलेंस हैं ये करेक्ट हैं, कंपैटिबल हैं या इनकरेक्ट हैं, रॉन्ग हैं, इनकंपैटिबल हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, जैसे आप मूवीज में देखे होंगे, या फिर मान लीजिए आप एक बड़े डॉक्टर बन गए और आपका पूरे वर्ल्ड में नाम, नेम एंड फेम है, पूरा एकदम सब लोग जानते हैं। अमेरिका के किसी एक बड़े हॉस्पिटल के बॉस ने आपको बुलाया एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए, बढ़िया टिकट विकट कराया आपको फ्लाइट के लिए, फ्री में आपको जाना है, फ्री में आना है, फ्री में वहाँ रहने को मिलेगा। तो आप तैयार हो गए, गए कि घूम आते हैं इसी बहाने, नहीं भी अगर करना होगा तो गए आप। तो जैसे ही आप वहाँ पे अमेरिका के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आपको तो पता ही नहीं है हमको कहाँ जाना है। तो जिसने आपको बुलाया है, डॉक्टर या बॉस जो है उस हॉस्पिटल का, वो एक लड़का भेजेगा आपको ले आने के लिए एयरपोर्ट पे। लेकिन चूंकि आप बड़े डॉक्टर हैं भाई, तो सबको पता चल जाएगा कि फला डॉक्टर आ रहे हैं अमेरिका, तो हो सकता है आपको लेने के लिए 10-20 लोग आ जाएं एयरपोर्ट पे, हो सकता है कोई मिसयूज करने के चक्कर में भी आ जाए। लेकिन आपको जाना है उसी डॉक्टर या बॉस के पास जिसने आपको बुलाया है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है, या कैसे पता चलेगा कि कौन सा लड़का वो करेक्ट है जो हमको लेने आया है, वो करेक्ट जगह पे लेके जाएगा हमको? तो मूवीज में भी आप लोग देखे होंगे, या फिर होता भी है ऐसा कि वहाँ एयरपोर्ट पे वो लड़का जो आपको लेने आया है वो इस तरीके से झंडा लेके खड़ा रहेगा, या फिर एक बोर्ड बना के खड़ा रहेगा, उस पे आपका नाम लिखा रहेगा। अब फिर वही बात आती है, बड़े डॉक्टर हैं तो हो सकता है सब आपका नाम लिख के खड़े हों। तो बॉस भाई होशियार है, वो बहुत होशियार है, अगर आपको बुलाया है, आप अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, तो होशियार आदमी ही बुलाया होगा। तो उसने क्या किया है, जो लड़का भेजा है उसको एक कोड बताया है, उस लड़के को, कि जब डॉक्टर साहब आपसे कोड पूछेंगे तो डॉक्टर साहब को आप कोड बता देना। अब जब आप अमेरिका के एयरपोर्ट पे लैंड किए, एयरपोर्ट से बाहर आए, कई लोग आपके पास अचानक से आ गए, 10-20 लोग, 100 लोग आ गए, भाई बड़े डॉक्टर हैं आप, 100 लोग आ गए, तो आप पूछोगे भाई कोड बताओ, 10-20 लोग इधर उधर उल्टा पुल्टा कोड बताए आपको, आपने उनको हटा दिया, ये हटो हटो हटो। मान लो उसमें से कोई एक लड़का वही कोड बताया जो कोड आपको पता है, उस बॉस ने बताया है, डॉक्टर ने, हॉस्पिटल वाले, तो आप उसी लड़के को एक्सेप्ट करेंगे जिसका कोड आपके कोड से मैच करेगा। आप सबसे कोड पूछ रहे हैं हर लड़के से, जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड किए, बहुत सारे लड़के आपको लेने चले आए, सबसे आपने कोड पूछा, सब उल्टा पुल्टा कोड बता रहे हैं, आपको एक कोड याद है जो डॉक्टर ने बताया है या बॉस ने बताया है, आप ये सोच रहे हो कि जो लड़का वही कोड बताएगा वही सही लड़का है, करेक्ट है, वही हमें सही जगह लेके जाएगा। तो मान लो उसमें से एक लड़का सही कोड बताया, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी गाड़ी पे बैठ करके जाएंगे, वो आपको करेक्ट प्लेस पे लेके जाएगा जहां आपकी प्रोफेशनल मीटिंग होनी है। तो यही स्ट्रेटजी ये पिस्टल या कॉर्पल भी अपनाती है, यही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ये भी रखती है। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे अपनी स्टोरी को, अपने कॉन्सेप्ट से ब्रिज कैसे करेंगे? सपोज ये एयरपोर्ट है, ये स्टिग्मा एयरपोर्ट है, क्योंकि एयरपोर्ट आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप लैंड किए हैं, जहां फ्लाइट लैंड की है, तो ये भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है ना, किसके लिए, पॉलन के लिए। तो ये पॉलन का क्या हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे, आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म था, उसी तरीके से पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो स्टिग्मा उसके लिए एयरपोर्ट या लैंडिंग क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। तो सपोज इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म में ये बहुत सारे पॉलन्स लैंड किए विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे आप फ्लाइट से आए थे तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट से आए हुए हैं, यहाँ पे आकर के स्टिग्मा पे लैंड किए। स्टिग्मा पे बहुत सारे तरीके के पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे टाइप के पैसेंजर्स आ जाते हैं, या फिर जैसे कि एयरपोर्ट पे जब आप आए थे तो बहुत सारे लड़के आ गए थे आपको लेने के लिए, तो इसी तरीके से इस पोर्ट पे या इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लड़के, यानी कि बहुत सारे पॉलिन आ गए। आपने किसी एक करेक्ट लड़के को चूज किया था विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर कोड, ध्यान से समझिएगा इसको। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लड़के आपसे मिलने आए आपको लेने के लिए, लेकिन आपने एक ही को केवल एक्सेप्ट किया,
विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर कोड, जिसने करेक्ट कोड बताया और सबको आपने रिजेक्ट कर दिया, और उस करेक्ट कोड वाले लड़के के साथ आप गए और वो आपको करेक्ट प्लेस पे लेके गया। इसी तरीके से स्टिग्मा पे जितने पोलेंस आएंगे वो भी यानी कि ये पोलिन भी अपना कोड बताएंगे किसको, इस पिस्टिल को। सारे के सारे जितने भी पोलिन आ रहे हैं, जितने पोलिन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, सब स्टिग्मा को या पिस्टिल को अपना अपना कोड बताएंगे, जैसे सारे लड़के आपको कोड बता रहे थे। लेकिन अब आपके पास ये कैपेसिटी थी, ये एबिलिटी थी कि आप पहचान पाए कि कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। इसी तरीके से ये पिस्टिल के पास भी एबिलिटी होती है, इसके पास अधिकार होता है, पावर होती है, क्षमता होती है कि ये पहचान सकता है कि कौन लड़का या कौन पोलिन करेक्ट है या राइट है, कौन रॉन्ग है। यानी कि अब ये पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर सकती है कि कौन कंपैटिबल है, कौन इनकंपैटिबल है। लेकिन याद ये रखना है आपको कि कोड किसने बताया, लड़कों ने। इसी तरीके से यहाँ पे कोड कौन बताएगा, पोलेंस, पोलिन ग्रेन्स बताएंगे, ये करेक्ट है, ये सही बात है। लेकिन कुछ बुक्स लिखती हैं कि यहाँ पे पिस्टिल और पोलिन दोनों ही सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पे कोड जो है वो केमिकल के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे आपको डिजिट्स के फॉर्म में कोड मिला था, वैसे यहाँ पे भाई पूरी स्टोरी जो है उसका कोर आपको समझना है कि वहाँ पे जैसे लड़के आपको कोड बता रहे थे डिजिट्स के फॉर्म में या अल्फाबेट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो कोड पोलिन बताएगा अपने पिस्टिल को वो केमिकल के फॉर्म में बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉक होती है, जो बातचीत होती है लिविंग सिस्टम में, वो केमिकल्स की हेल्प से होती है, मैसेंजर की हेल्प से होती है। तो जितने पोलेंस यहाँ पे ट्रांसफर किए गए विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक, सबने क्या किया, इसको कोड बताया पिस्टिल को, यानी कि यहाँ पे केमिकल सिक्रीट किया। तो जो केमिकल का सिक्रीशन है, ये केमिकल सिक्रीट कौन करेगा, जिसके हेल्प से यहाँ पे टॉक हो पा रही है यानी बातचीत हो पा रही है, पोलेंस सिक्रीट करेगा। कुछ बुक्स लिखती हैं कि दोनों सिक्रीट करेगा, लेकिन एनसीईआरटी में स्ट्रेट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि पोलेन जो है वो केमिकल कॉम्पोनेंट्स रिलीज करते हैं, जिसकी हेल्प से इनके बीच में एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग या टॉक होती है। तो बेसिकली इस फीमेल यानी पिस्टिल के पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पोलिन को। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल ये रिकॉग्नाइज करेगी कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पोलिन को। जो कंपैटिबल पोलिन होगा, जो राइट टाइप का पोलिन होगा, उसको एक्सेप्ट करेगी, और जो इनकंपैटिबल पोलिन होगा, रॉन्ग टाइप का पोलिन होगा, उसको रिजेक्ट कर देगी। एक्सेप्ट करने का मतलब यहां पे ये है कि अगर राइट टाइप का पोलिन है, अगर राइट टाइप का पोलिन है, सपोज सारे पोलिन्स ने यहां पे क्या किया, केमिकल सिक्रीट किया, और उस केमिकल की हेल्प से ये पिस्टिल समझ गई कि ये राइट टाइप का पोलिन नहीं है, ये रॉन्ग है, इसको रिजेक्ट कर देगी। फिर इसको भी समझ गई कि ये राइट टाइप का नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, इनकंपैटिबल है, तो इसको भी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और इसको समझ गई, ये रेड वाला जो है, इसको समझ गई कि ये करेक्ट है, ये राइट टाइप का पोलिन है, कंपैटिबल, तो इसको एक्सेप्ट करेगी। यानी कि हम ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स रिलीज्ड बाय द पोलिन, पिस्टिल जो है ये रिकॉग्नाइज कर पाती है कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पोलिन को, और कंपैटिबल पोलिन को ये एक्सेप्ट करेगी। और एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि इसके पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करेगी। अभी बाद में बात कर लेंगे हम लोग कौन कौन से इवेंट्स होंगे पोस्ट पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के बाद के इवेंट को बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर जो इनकम्पेटिबल है, जो रॉन्ग या इनकरेक्ट टाइप का पॉलिन है, उसको रिजेक्ट कर देगी जस्ट बाई प्रिवेंटिंग द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। वी कैन से द जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन द स्टिग्मा, और वी कैन से The growth of pollen tube inside the style. अगर ये incompatible pollen है, तो जो pistil है, वो stigma के ऊपर उन pollen को नहीं germinate होने देगी, और germinate जब नहीं होंगे, तो pollen tube की growth inside the style नहीं हो पाएगी। अगर ये correct या compatible pollen है, तो ये post pollination event को promote करेगी, यानी कि germinate करेंगे pollen on the stigma, और tube का formation होगा, जो कि enter करेगी through the style. अप टू द ओव्यूल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेप्ट किया जाएगा, कंपैटिबल पोलिन, कौन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनकंपैटिबल पोलिन। और इस
रिकॉग्निशन की यानी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी किसके पास है? पिस्टल के पास है। एबिलिटी किसके पास है? पिस्टल के पास है। सो दिस सो पिस्टल जो है इसके पास क्या है? एबिलिटी है जस्ट टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल एंड इनकंपैटिबल पॉलन ग्रेन व्हिच इज फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पॉलन। पिस्टल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल एंड इनकंपैटिबल पॉलन्स जस्ट बाय द सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिलीज बाय द पॉलन। तो पिस्टल क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है इसको इनकंपैटिबल और कंपैटिबल पॉलन को। कंपैटिबल पॉलन को एक्सेप्ट करेगी और इनकंपैटिबल पॉलन ग्रेन को क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। इनकंपैटिबल पॉलन को क्या कर देगी? ये रिजेक्ट कर देगी। और ये जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन है ये किसकी वजह से है? इस केमिकल कंपोनेंट की वजह से है। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो किसकी वजह से है? केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से है। तो यहां पे इन केमिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से स्टिग्मा और पॉलन के बीच में एक टॉक होगी, बातचीत होगी, एक इंटरेक्शन होगा। एनसीईआरटी उसको लिख रही है कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। और ये जो कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है इट इज मीडिएटेड बाय द सम केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स इंटरैक्टिंग विद द स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो इस केमिकल कंपोनेंट्स को सिक्रीट करेंगे और इस केमिकल कंपोनेंट की हेल्प से यहाँ पे इंटरैक्शन हो पाएगा बिटवीन द स्टिग्मा एंड पॉलन। और इस इंटरैक्शन से इस कॉन्टिन्यूअस टॉक या कॉन्टिन्यूअस डायलॉग की हेल्प से रिकॉग्नाइज कर पाएगी कोई एक पर्टिकुलर पिस्टिल अपने कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को और उसको एक्सेप्ट करेगी और जो इनकंपैटिबल पॉलन है उनको क्या कर देगी? ये रिजेक्ट कर देगी जस्ट सिंपली बाय प्रिवेंटिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा और ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई अगर कि कैसे पॉलन और पिस्टिल के बीच में टॉक हो रही है और स्टॉक या इंटरेक्शन की हेल्प से क्या कर रहा है? रिकॉग्निशन कर रहा है कौन? पिस्टिल। अब सपोज कि इन दोनों को ये रिजेक्ट कर दी और इसको एक्सेप्ट की क्योंकि ये दोनों इनकंपैटिबल थे और ये सिर्फ क्या था? कंपैटिबल था। तो आपको पता है कि किसी एक पॉलन का एक एक्टिव पीरियड होता है जिसको हम लोग वायबिलिटी बोलते हैं और पीरियड ऑफ एक्टिवनेस, और उसके बाद वो बेकार हो जाता है क्योंकि उस पर लाइफ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। वो फर्दर प्रोसेस के लायक नहीं रह जाता है। तो अब सपोज इस रेड वाले पॉलन को एक्सेप्ट की इस पिस्टिल ने और इन दोनों को रिजेक्ट कर दी तो ये दोनों यहीं पे पड़े पड़े कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है क्योंकि इसकी वायबिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बेकार हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब इस रेड कलर वाले यानी कि इन दोनों को हमको नहीं देखना है, ब्लैक और ब्लू वालों को। ये रेड कलर वाला जो पॉलन है ये कंपैटिबल पॉलन है। हमारा पूरा फोकस इस रेड कलर वाले पॉलन पे होना चाहिए। अब भाई एक और स्टोरी हमारे पास है, वो बारात वाली। ये पॉलन जो है ये बारात लेके आया है, इसके अंदर दूल्हे बैठे हुए हैं दोनों। तो भाई आप दूल्हे हैं घर के, मेहमान हैं और आ गए हैं, हम पहचान लिए हैं कि हाँ आप भी करेक्ट मेहमान हैं। तो अब आपको खाना पानी भी चाहिए। तो ये जो पिस्टिल है इसको नरिश करना स्टार्ट करेगी। किसको? पॉलन को। यानी जो कंपैटिबल पॉलन है इस कंपैटिबल पॉलन को ये जो पिस्टिल है या स्टिग्मा है अब नरिश करना स्टार्ट करेगी। यानी कि इसको कुछ फूड, कुछ न्यूट्रिशन देगी। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू करेगी और यहाँ पे ये इसका हाइड्रेशन भी करेगी। यानी कि इसके अंदर वाटर भी ट्रांसफर करेगी। खाना भी मेहमान को चाहिए और पानी भी मेहमान को चाहिए। और भाई ये स्पेशल अगर मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, तो इनको अच्छा खाना और खूब ढेर सारा पानी देंगे। और अगर इस सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, न्यूट्रिशन जा रहा है तो वहाँ पे ऑस्मोलरिटी भी बढ़ेगी और उसके थ्रू यहाँ पे वाटर अपने आप जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रेशन हो रहा है किसका? पॉलन का। यानी कि ओवरऑल हमको ये समझना है कि पॉलन के अंदर वाटर खूब ढेर सारा बढ़ता चला जा रहा है या बढ़ता चला जा रहा है या इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आपको पता है कि सेल के अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी।
और इस टर्जिडिटी ऑफ द सेल की वजह से सेल के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होगा, डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और ये जो टर्गर प्रेशर है, ये टर्गर प्रेशर सेल के अंदर होगा और ये सेल की मेम्ब्रेन पे एग्जर्ट किया जाएगा ये प्रेशर। तो यहां पे सेल के अंदर इसके फ्लूइड कंपोनेंट की हेल्प से, साइटोप्लाज्म की हेल्प से जो प्रेशर लगाया जा रहा है ऑन द वॉल ऑफ मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर। अब अगर वॉल फ्लेक्सिबल होगी तो फैल जाएगी, वॉल अगर फ्लेक्सिबल होगी तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो यहां पे एंटाइम जो है उस पे अगर प्रेशर लग रहा है, तो आपको याद होगा कि एंटाइम जो है ये थिन है, फ्लेक्सिबल थी, बनी थी किसकी, सेलुलोज और पैक्टिन की, तो ये फैलने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। हमने आपको ये बताया कि अंदर साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेशर लगा रहा है, इसको हम टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ, इसको आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, एंटाइम है, ये क्या है, एंटाइम है, और एंटाइम के बाहर यहां पे एक्साइन है, और जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ये जो एंटाइन एब्सेंट है जहां पे, ये एंटाइन जहां पे एब्सेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और हम ये कह रहे हैं कि यहां पे सपोज ये स्टिग्मा का सरफेस है, सपोज करिए कि ये स्टिग्मा का सरफेस है, और स्टिग्मा जो है इस कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन भी दे रही है, जो यहां का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है, और इसकी वजह से वाटर भी इजिली यहां से यहां आ सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। और हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर वाटर बढ़ता चला जाएगा तो ये जो है वाटर या फ्लूइड या साइटोप्लाज्म इस वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देगा, और सेल की टर्जिडिटी की वजह से जो प्रेशर लगेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑन द वॉल ऑफ द सेल, इसको हम लोग बोलेंगे टर्गर प्रेशर। यानी कि यहां पे इसके अंदर बहुत सारा एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर। अब ये टर्गर प्रेशर मेम्ब्रेन पे लग रहा है, और अगर मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। और हमने आपको बताया कि ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है या वॉल है जिसको हम एंटाइन बोल रहे हैं, ये थिन और फ्लेक्सिबल है, तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके बाहर जो ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई एक और वॉल है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, ये हार्ड है, रिजिड वॉल है। इवन दुनिया का कोई भी केमिकल, कोई एंजाइम, कोई एसिड, कोई बेस, कोई भी टेम्परेचर इसका बाल बांका नहीं कर सकता है, तो ये नहीं एक्सपेंड होने देगा किसको, एंटाइन को। एंटाइन फैलना चाह रही है विद द हेल्प बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर, फैलना चाह रही है, एक्सपेंड होना चाह रही है, लेकिन इसके बाहर क्या है, जैसे ये रूम है, रूम के अंदर हम एक बड़ा सा बैलून, उसको हम उसमें हवा भरते चले जाए तो वो एक्सपेंड करता चला जाएगा, लेकिन जब वो दीवार से टच कर जाएगा तो उसकी एक्सपेंड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, नहीं एक्सपेंड हो जाएगा, हो पाएगा। लेकिन अगर दीवार में हम कहीं एक जगह छोड़ रखे हैं जिसको दरवाजा बोलते हैं, वहां से बैलून बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वही प्रोसेस यहां पे भी होगी। जैसे कि यहां पे ये एंटाइन वॉल जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है रेड कलर वाली, और ये एक्साइन रिजिड होने की वजह से इसको एक्सपेंड नहीं होने दे रहा है, लेकिन यहां पे इस कमरे में भी तो एक दरवाजा है, इस कमरे में भी तो एक दरवाजा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस दरवाजे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दरवाजे को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो ये तीन जर्म पोर हो सकते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। अब जो टर्गर प्रेशर है उसकी वजह से जो ये एंटाइन एक्सपेंड हो रही है वो बाहर आ जाएगी इस जर्म पोर की हेल्प से, ये बाहर आ जाएगी इस जर्म पोर की हेल्प से। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बनाऊं तो इस जर्म पोर से ये जो जर्म पोर है, इस रेड वाले एक्साइन में जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, ये ब्लू कलर वाली एंटाइन है, ये एंटाइन जो है ये बाहर की तरफ इस तरीके से प्रोट्यूड हो जाएगी, बाहर की तरफ इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये प्रोट्यूड हो जाएगी। और ये जो प्रोट्यूजन है, ये जो आउट ग्रोथ है, ये सेल के अंदर टर्जिडिटी इंक्रीज होने की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से हुई है, लेकिन ये प्रोट्यूजन किसका है, एंटाइन का, प्रोट्यूजन किसका है, एंटाइन का। तो ये जो ट्यूब लाइक आउट ग्रोथ या प्रोट्यूजन बन रहा है एंटाइन का, ये पॉलन का है, इसलिए इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे, इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब को मैं क्या बोल रहा हूं, पॉलन ट्यूब। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं पॉलन ट्यूब के लिए। तो पॉलन ट्यूब जो है, सबसे पहली बात तो ये हमको याद रखनी है कि पॉलन ट्यूब जो है ये आउटग्रोथ है किसकी, एंटाइन वॉल की।
आउटग्रोथ है किसके, एंड टाइम वॉल की। और ये थ्री लेयर्ड होगी वॉल, थ्री लेयर्ड का मतलब एक आउटर होगी, एक मिडिल होगी, एक इनर वॉल होगी। इस ट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, बाहर वाली बनी हुई होगी सेलुलोज की, मिडिल वॉल बनी हुई होगी पेक्टोसेलुलोज की, पेक्टोसेल्युलोज की, और इनर मोस्ट वॉल जो है ये बनी हुई होती है कैलोज की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पॉलिन ट्यूब को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा, एमिकी नाम है उनका, एक पर्टिकुलर प्लांट में, और उस प्लांट का नाम भी हमको याद रखना है, दैट इज पोर्टुलेका प्लांट, पोर्टुलेका प्लांट इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉलिन ट्यूब है ये एपिकल ग्रोथ शो करेगी, एपिकल ग्रोथ होता है इसमें। इसको मैं समझाता हूं आपको, एपिकल ग्रोथ को, आपने बैलून कभी फुलाया है, गुब्बारा, जब उसको हम लोग उसमें हवा पंप करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, लेकिन अगर उसके अपोजिट टिप पे देखें तो वहां पे मोटा होता है। जैसे अगर इस ब्लू कलर वाले को हम बैलून मान रहे हैं, तो यहाँ पे टिप पे ये मोटा होगा, यहाँ पे थिक होगा, यहाँ पे थिक होगा, लेकिन बैलून जैसे 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 फूलता चला जाता है, टिप पे जो उसकी थिकनिंग है वो कम होती चली जाती है, वो थिन होता चला जाता है, लेकिन जो एक्सपेंशन हो रहा है बैलून का वो ज्यादा उसी टिप पे होगा लास्ट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है वो इस पॉइंट से होती है, यानी कि ट्यूब वाले पॉइंट से इस तरीके से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी, यानी यहाँ की सेल्स डिवाइड करेगी, ये और थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर ये ठीक है, यहाँ की सेल्स जो है टिप की सेल डिवाइड करेंगी और इस ट्यूब की लेंथ इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो ये जो पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ रही है या जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है इन साइड द स्टाइल, ये इस टिप की वजह से हो रही है, इस एपिकल पॉइंट की वजह से हो रही है, इस वजह से हम पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या बोल रहे हैं, एपिकल ग्रोथ। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिकल ग्रोथ। और ये जो टिप है पॉलन ट्यूब की, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का नाम हमको याद रखना है, सेल्युलेज एंड पेक्टिनेज। सेल्युलोज एंड पेक्टिनेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब। अभी बाद में हम लोग इसका फंक्शन समझेंगे कि ये जो सेल्युलोज और पेक्टिनेज एंजाइम है ये क्यों पड़ा हुआ है या प्रेजेंट है इस पॉलन ट्यूब के टिप पे। इसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग याद रख लेते हैं, ये जो पॉलन ट्यूब है एपिकल ग्रोथ शो करने के साथ साथ ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। अभी इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है इसके लिए, और इसके लिए अभी दोबारा हम लोग बात करेंगे एंजाइम और इस मूवमेंट का मतलब क्या है। और अगर हम इस पॉलन ट्यूब के अंदर कंटेंट की बात करें कि इस पॉलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इस पॉलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होगा अगर हम कंटेंट की बात करें, तो इस मैग्नीफाइड व्यू या डायग्राम की हेल्प से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब यहाँ पे सेल के अंदर वाटर एंटर करने लगा, तो जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, तो वैक्यूल के अंदर वैक्यूल सैप का अमाउंट भी बढ़ेगा। वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है, क्योंकि प्लांट सेल है ये, इसके अंदर एक लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, तो वैक्यूल का भी साइज क्या होगा, बढ़ेगा, वैक्यूल भी एक्सपेंड करेगी। और इस पॉलिन ग्रेन के अंदर या मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पॉलिन ग्रेन जो है वो शेड होते हैं एट टू सेल्ड स्टेज। यहाँ पे दो सेल्स होंगी, एक जनरेटिव सेल होगी और एक वेजिटेटिव सेल होगी टू सेल्ड स्टेज में, एंड रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर यूज्ड टू सेड देयर पॉलिन एट टू सेल्ड और एट थ्री सेल्ड स्टेज। वहां पे सेडिंग के पहले, पॉलिन ग्रेन सेड हो उससे पहले ही सेल जो है जनरेटिव सेल वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है इंटू टू मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स बना लेती है। लेकिन कुछ ही प्लांट्स ऐसा कर रहे हैं, यानी कि 40% ही प्लांट में
थ्री सेल्ड स्पेस में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं, बल्कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं एट टू सेल्ड स्पेस, जहां पे एक जनरेटिव और एक क्या होती है वेजिटेटिव सेल होती है। इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल भी होगा, और अगर सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो वैक्यूल का भी साइज बढ़ रहा है, उसके टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, वो भी एक्सपेंड कर रहा है। तो जब वैक्यूल इसके अंदर एक्सपेंड होगा, वैक्यूल इसके अंदर फैलेगा, तो वैक्यूल करेगा क्या कि इन दोनों सेल को भी पुश कर देगा, ये दोनों सेल पे भी क्या लगेगा प्रेशर लगेगा, और इन दोनों सेल को जब पुश करेगा तो ये दोनों की दोनों सेल जो है ये इस ट्यूब में चली जाएंगी, पॉलन ट्यूब में चली जाएंगी। फिर मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन कंपेटिबल पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, रिकॉग्नाइज किया पिस्टिल ने, इसको न्यूट्रिशन और फूड और वाटर देना शुरू किया, वाटर का अमाउंट बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म में प्रेशर लगाया ऑन द वॉल ऑफ पॉलन और एंटाइन एक्सपेंड होने की कोशिश की, लेकिन उसके बाहर एक्जाइम थी नहीं एक्सपेंड हो पाई, लेकिन जहां पे एक्जाइम नहीं है वहां से एक्जाइम जहां पे एब्सेंट है उसको हम जर्म पोर बोलते हैं, वहां से एंटाइन वॉल जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो गई, और उस एक्सटेंशन को हमने क्या बोला पॉलन ट्यूब बोला, और पॉलन ट्यूब जो है वो इसीलिए हमने बोला प्रोड्यूसर है किसका एंटाइन का। और अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो अगर आपको ये याद है कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पॉलन शेड होते हैं टू सेल स्टेज में, जिसमें एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल होती है। रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर यूज्ड टू सेट देयर पॉलन एट थ्री सेल स्टेज, जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है दो मेल गैमेट्स में और एक वेजिटेटिव सेल, टोटल थ्री सेल्स होंगी। तो जब इसके अंदर वाटर भरेगा पॉलन के अंदर, तो यहाँ पे वैक्यूल का भी साइज इंक्रीज होगा, और वैक्यूल जो है वो एक्सपेंड होगा, तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो कंटेंट है वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी कि ये दोनों की दोनों सेल्स, अगर तीन सेल्स हैं 40% की बात अगर हम कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो दो या तीन सेल्स जो भी होंगी इस पॉलन के अंदर वो आ जाएंगे इस पॉलन ट्यूब में। लेकिन अगर टू सेल स्टेज पे है तो ये जो आगे सेल आ रही है ये सेल है जो ये वेजिटेटिव सेल होगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। बाद में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि पॉलन टिप पे या जो पॉलन ट्यूब की टिप है या पॉलन ट्यूब में जब सेल की एंट्री होती है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ वैक्यूल, तो पॉलन के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है या जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो आता है टिप पे, ना कि जनरेटिव, जनरेटिव सेल पीछे रह जाती है। और अगर 40% की बात मैं कर रहा हूं जहां पे फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से ही दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पीछे रहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही दो मेल गैमेट्स होंगे और यहां पे टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहां पे टिप पे प्रेजेंट होगा ट्यूब न्यूक्लियस। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है स्टाइल के अंदर, तो फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से ही पॉलन ट्यूब के अंदर के कंटेंट की अगर बात करें तो पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे, मेल गैमेट्स पीछे पीछे, ठीक है। और अगर 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है इन द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पॉलन ग्रेन की शेडिंग हो रही है टू सेल स्टेज पे, तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब यहां पे स्टाइल के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड करती है इंटू टू मेल गैमेट्स। तो कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, पॉलन ट्यूब के अंदर का जो कंटेंट है इसमें दो बातें हमने आपको बताई कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक जनरेटिव सेल होगी और एक वेजिटेटिव सेल होगी ट्यूब पॉलन ट्यूब के अंदर, और 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो मेल गैमेट्स होंगे, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगी माइटोसिस की हेल्प से, और एक वेजिटेटिव सेल तो होगी ही, यानी कि यहां पे थ्री सेल्स होंगी और यहां पे टू सेल्स होंगी, इसमें पॉलन ट्यूब के अंदर। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ये जो पॉलन
ये जो एंटाइम का प्रोड्यूजन बन रहा है या आउटग्रोथ है, इसको हम बोल रहे हैं पॉलन ट्यूब। और इसमें तीन वॉल होगी, बाहर सबसे बनी हुई होगी वॉल इसकी जो वो सेलुलोज की होगी, मिडिल वॉल बनी होगी पेप्टोसेलुलोज की, इनर मोस्ट वॉल बनी हुई होगी किसकी, कैलोज की। और फर्स्ट टाइम इसको एमिकी ने देखा पोर्टुलेका प्लांट में, और एपिकल ग्रोथ शो करती है क्योंकि ये टिप से ग्रोथ होती है, और यहाँ पे टिप पे थिकनिंग होती है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का डिपोजिशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम हमको याद रखने हैं, सेलुलोज और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज, और पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग समझेंगे क्या काम है। और पॉलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। और पॉलन ट्यूब के अंदर के कंटेंट की अगर हम बात करें, पॉलन ट्यूब के अंदर के अगर हम कंटेंट की बात करें, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलन ट्यूब के अंदर इनिशियली टू सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जब ग्रोथ होती है तो इनसाइड द स्टाइल जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है इनटू टू मेल गैमीट्स, और रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्रॉम द बिगिनिंग थ्री सेल्स होती हैं, जहां पे थ्री सेल स्टेज पे शेडिंग होती है, शुरुआत से ही वहां पे दो मेल गैमीट्स, और एट द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब देयर विल बी योर ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने थे किसमें, पॉलन ट्यूब में। अब एक और चीज ये समझिए आप कि ये जो पॉलन ट्यूब है सबसे पहले एंटर कर रहा है इनटू द पिस्टिल और कॉर्पल थ्रू द स्टिग्मा। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और हमने आपको बताया था कि स्टिग्मा जो है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो स्टिग्मा इस तरीके से गोल गोल दिखाई देगी अगर ऊपर से आप देख रहे हैं, और ये परफोरेटेड होगी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, इस तरीके से पोर्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, पोर होंगे। जैसे आप ये समझ सकते हैं जो पूड़ी निकालने वाली चम्मच होती है उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, स्टिग्मा एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगी, उतने बड़े छेद नहीं रहते हैं। और उस छेद की हेल्प से, यानी कि उस होल की हेल्प से, पोर की हेल्प से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर मान लो एक लैंड किया कंपैटिबल पॉलन, तो उसमें जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी तो ये पॉलन ट्यूब, ये पूरा हो गया स्टिग्मा, और ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर इन पोर्स की हेल्प से एंटर करेगी। और ये पोर्स जो है ये माइन्यूट हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हजारों पोर्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप वाटरमेलन को ले लें, पपाया को ले लें, तो इसमें जितने सीड्स होते हैं उतने पॉलन ट्यूब की एंट्री भी होती होगी, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनता है ओव्यूल का। तो वाटरमेलन में जितने सीड हैं या पपाया में जितने सीड हैं उसके स्टिग्मा से उतने पॉलन ट्यूब बन के अंदर घुसी हुई होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, पोर्स होंगे माइन्यूट। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे मान लीजिए ये छोटा सा पोर था, इस तरीके से स्टिग्मा में ये छोटा सा मान लो पोर था, और इस पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर आ गई। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टाइल में ग्रो करेगी, स्टाइल के अंदर ग्रो करेगी। और हमने आपको बताया था कि स्टाइल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप यानी कि टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है, अगर स्टाइल क्या है, सॉलिड है। स्टाइल हॉलो भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है तो ये सॉलिड हो जाएगी। और ये टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं इंटरमीटिंग टिश्यूज, जो स्टाइल की टिश्यूज होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीटिंग टिश्यूज। अब टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, तो ये प्लांट की सेल है, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का वॉल बना हुआ होगा, तो सेलुलोज और पैक्टिन के वॉल वाले रिस्ट्रिक्शन है, अगर रास्ते में किसी का जो रास्ता है उसको बाधित कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, यानी कि पॉलन ट्यूब जो है वो इस रास्ते से जा रही है, इस रास्ते से पॉलन ट्यूब जाना चाहती है, और यहाँ पे ये सारी सेल्स इसमें रुकावट पैदा कर रही हैं, यानी इसमें से रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रही हैं। तो ये पॉलन ट्यूब के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए कि आने वाले सेल्स को, रास्ते में जो सेल्स आ रही हैं उनको हटा दें, डिसॉल्व कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो सेल की वॉल किसकी बनी हुई है, यहाँ पे सेलुलोज और पैक्टिन की। तो नेचर ने इसलिए क्या दिया, इस पॉलन ट्यूब की टिप पे यहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज और पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम दिया। और इस सेलुलेज एंड पैक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से रास्ते में आने वाली इन सारी सेल्स को ये डाइजेस्ट करता चला जाएगा, और जब ये सेल्स बर्स्ट करेंगी इससे जो साइटोप्लाज्म रिलीज होगा उसको ये पॉलन ट्यूब यूज भी कर लेगी अपने न्यूट्रिशन के लिए। और इस तरीके से जितनी सेल्स रास्ते में आती जाएंगी उन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए ये पॉलन ट्यूब जो है इस स्टाइल में इस तरीके से ग्रो करती रहेगी, मूव करती रहेगी। और ये जो इसके अंदर के कॉन्टेंट है, इसके अंदर के ये जो कॉन्टेंट है, दो मेल गैमीट्स यहाँ पे जो पीछे हैं और
आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस ये भी मूव करता रहेगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम का क्या काम था, किस लिए नेचर ने टिप ऑफ द पोलन ट्यूब पे सेलुलोज एंड पैक्टिनेज एंजाइम दिया। आपको समझ में आ गया कि ये अगर स्टाइल जो है ये सॉलिड होगी तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन आएंगे, और पोलन ट्यूब के टिप पे इसलिए नेचर ने एंजाइम दे दिया कि उस एंजाइम की हेल्प से सेल को डिस्ट्रॉय कर देना और अपना रास्ता बना लेना और निकल जाना आगे। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब अंदर आ गई स्टाइल में। अब पोलन ट्यूब को, यानी कि ये जो पोलन ट्यूब है, अगर हम इस पोलन ट्यूब की बात करें जो स्टाइल के अंदर आ गई, तो इस पोलन ट्यूब को पता थोड़ी है कि हमको इस जगह में कहाँ मूव करना है। हमको पता है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, या फिर ये जो मेल गैमेट्स हैं उसको इस फीमेल गैमेट से मिलना है, लेकिन इस पोलन ट्यूब को क्या पता कि हम किस रास्ते से जाएंगे तो हमको फीमेल गैमेट मिल पाएगी जहाँ पे हम मेल गैमेट को मिला पाए। यानी कि दूल्हा है, दोनों दूल्हे हैं, ये दुल्हन से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब दूल्हा तो भाई पहली बार जा रहा है दुल्हन के घर, तो उसको पता नहीं है किधर से रास्ता है, लेकिन आपको पता है कि दूल्हे का दोस्त जो है वो एक बार विजिट कर चुका है। तो दूल्हे का दोस्त कौन है? ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जो दोनों मेल गैमेट्स हैं इनको मैं बोल रहा हूं दूल्हा। तो अब ये जो दोनों दूल्हे हैं, इसका जो फ्रेंड है ट्यूब न्यूक्लियस, इससे यहां पे बैठी है दुल्हन, और इस दुल्हन की ये जो दोनों सहेलियां हैं जिनको हम लोग क्या बोलते थे, साइनर्जिट्स, साइनर्जिट्स। तो इस ट्यूब न्यूक्लियस और साइनर्जिट्स के बीच में यहां पे बातें होंगी, किसके किसके बीच में? ट्यूब न्यूक्लियस और इस साइनर्जिट्स के बीच में, ट्यूब न्यूक्लियस और साइनर्जिट्स के बीच में यहां पे बातें होंगी। और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहां पे इस स्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोग बोलते थे ऑब्ट्यूरेटर, और ऑब्ट्यूरेटर जो है वो फ्लैग की तरह काम करते थे, फ्लैग की तरह काम करते थे। जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपको डायरेक्शन नहीं पता है कहाँ जाना है, तो एक बोर्ड लेकर के आदमी खड़ा रहेगा, आप उस बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। इसी तरीके से पोलन ट्यूब अगर यहाँ पे आ गया है, इसको नहीं पता है कहाँ मूव करना है, तो ये ऑब्ट्यूरेटर जो है ये फ्लैग का काम करेंगे, गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को कि किधर तुमको मूव करना है। तो ये पोलन ट्यूब जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये इसको भी पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है, अब यहां से जा सकता है। इसलिए ये जो साइनर्जिड है, अब इस ट्यूब न्यूक्लियस से बात करेंगी, दुल्हन की सहेलियां दूल्हे के दोस्त से यहाँ पे बात करेंगी। बात फिर किससे होगी? केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, यानी कि यहाँ पे ये जो साइनर्जिड्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट करती हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट करेंगी। कौन? साइनर्जिड्स। और केमिकल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज करेगी साइनर्जिड, बोरॉन रिलीज करेगा, और एक और इनोसिटॉल, ये तीन केमिकल्स रिलीज करती है कौन? साइनर्जिड। अब इस केमिकल को सेंस करेगा ये ट्यूब न्यूक्लियस, तो इसका फ्रेंड है ये ट्यूब न्यूक्लियस, और इस एक सेल का फ्रेंड कौन है? साइनर्जिड। तो मेल का फ्रेंड ट्यूब न्यूक्लियस, फीमेल का फ्रेंड साइनर्जिड। अब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या कर रहे हैं? टॉक कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ये साइनर्जिड विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल्स इसको गाइड करेगी। यानी कि अब यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो साइनर्जिड के थ्रू जो केमिकल रिलीज किया जा रहा है उसको सेंस करेगा, यानी कि इसके पास कीमो सेंसिटिविटी है, केमिकल को सेंस करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी है किसके पास? ट्यूब न्यूक्लियस के पास। इसीलिए ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो टिप पे रहता है और वही गाइड करता है कि किधर पोलन ट्यूब मूव कर रहा है, और ये गाइडेंस किसके थ्रू हो रही है? साइनर्जिड्स के थ्रू, यानी कि वो जो क्या निकाल रही हैं? केमिकल्स निकाल रही हैं। और आपको एक बात पता है कि ये जो साइनर्जिड्स हैं, अगर हम इस पूरे एम्ब्रायोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये जो है इसको हम एम्ब्रायोसाइट बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? चलाजल पोल, और इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर पोल। और चलाजल पोल पे यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ बीच में प्रेजेंट होंगे दो पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगी दो सेल्स, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनर्जिड्स। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनर्जिड्स। और यहाँ पे साइनर्जिड्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, दैट इज एग शेल। यहाँ पे ये प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। तो एक और
एक बात तो हमने ये कहा कि ये जो साइनर्जिड्स हैं ये केमिकल रिलीज करना शुरू कर रही हैं, और इस केमिकल को यहां से जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं इस केमिकल को ये न्यूक्लियस सेंस कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू करेगा ये न्यूक्लियस, और जिधर न्यूक्लियस मूव करेगा उधर ही इस एंटाइम का एक्सटेंशन होगा, यानी कि ये जो पॉलन ट्यूब है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से ग्रो करती चली जाएगी यहां पे। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये भी मूव करते करते कहां पहुंच गया, इस पॉलन ट्यूब के टिप पे, इस पॉलन ट्यूब के टिप पे। और ये जो दोनों मेल गैमेट हैं ये भी अपने दोस्त के पीछे 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 फीमेल के घर तक पहुंचने की लालच में यहां पे आ गया। ये तो केमिकल जो सिक्रीट हो रहा है साइनर्जिड से, यानी कि ये जो फीमेल थी इनकी सहेलियां जो थी ये मेल के फ्रेंड से टॉक करके इसको यहां तक बुला लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट यहां पे बहुत स्पेशल थिकनिंग आपको अगर याद हो साइनर्जिड के अंदर, जिसको हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये भी गाइड करते हैं इसको पॉलन ट्यूब को इनसाइड द स्टाइल और इनसाइड द पिस्टिल। तो तीन चीजें मिलकर के ऑब्ट्यूरेटर ने फ्लैगिंग का काम किया, गाइड किया उसको एक फ्लैग मार्क दे करके, और साइनर्जिड जो फीमेल की सहेलियां थी उन्होंने केमिकल रिलीज किया, और जो मेल गैमेट का दोस्त था उसने सेंस किया उसको और उसकी तरफ मूव किया, यानी कीमो सेंसिटिविटी की वजह से। और केमिकल की इन्फ्लुएंस में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, अगर वो डायरेक्शनल है तो 10th क्लास में आप लोग ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट पढ़े होंगे, नॉन डायरेक्शनल नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टिक, और डायरेक्शनल मूवमेंट जो होगा वो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिक बोलते हैं, और केमिकल के इन्फ्लुएंस में जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है डायरेक्शनल मूवमेंट उनको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये मूवमेंट शो करेगा कौन सा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा ट्यूब न्यूक्लियस। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रहा है, केमिकल सिक्रीटेड और सिंथेसाइज बाय द साइनर्जिड्स। और तीसरा जो है स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड विच इज टर्म्ड और डिफाइंड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब और ट्यूब ग्रोथ इनसाइड द पिस्टिल। तो तीन चीजें, ऑब्ट्यूरेटर एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसका, और साइनर्जिड से जो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं कैल्शियम आयन बोरॉन और इनोसिटॉल, बोरॉन आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास वाले एनसीईआरटी में लिखा गया है आपको कि ये बोरॉन जो है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और बोरॉन ये जो केमिकल है अलोंग विद द कैल्शियम आयन एंड इनोसिटॉल सिक्रीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ साइनर्जिड, तो साइनर्जिड गाइड कर रही है और उस साइनर्जिड के थ्रू जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको सेंस कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, उसकी हेल्प से पहुंच पा रहा है कहां तक, अप टू द ओव्यूल और अप टू द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहाँ पे इस माइक्रोपाइलर एंड पे ही ये साइनर्जिड्स हैं, यहीं पे केमिकल सिक्रीट होगा, और केमिकल अगर यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है तो इस केमिकल को सेंस कर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, तो यहाँ तक आ जाएगा पॉलन ट्यूब को लेकर के। अब पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंच आया है, अब ये अपना रास्ता ना भटक जाए, बारात एकदम घर तक आ गई है, अब डिस्टर्बेंस हो गया तो बवाल हो जाएगा, तो अगर अब ये रास्ता ना भटक जाए इसलिए दो में से एक साइनर्जिड, जैसे ही पॉलन ट्यूब यहां तक पहुंची दो में से एक साइनर्जिड बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है और अपने सारे के सारे केमिकल को रिलीज कर देती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि यहां से एक साइनर्जिड जो है वो बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी और अपने सारे केमिकल को रिलीज कर देगी इस माइक्रोपाइलर एंड पे, जस्ट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केमिकल सिग्नल। अगर एक साथ खूब ढेर सारा केमिकल एक साइनर्जिड सेल के फटने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, और वो केमिकल सिग्नल इस ट्यूब न्यूक्लियस को यहाँ बुलाने का काम कर रहा है, तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इस केमिकल के इन्फ्लुएंस में तुरंत यहाँ पे अचानक से इस तरीके से बेंड हो जाएगा, यानी कि ये जो ट्यूब है पॉलन ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी इस ओव्यूल के अंदर, इस न्यूक्लियर सेल से होते हुए इस ओव्यूल के अंदर ही चले जाएगी, यानी कि ये पेनिट्रेट करती हुई न्यूक्लियर सेल्स को यहां पे पहुंच जाएगा ये ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो ट्यूब या पॉलन ट्यूब न्यूक्लियर सेल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंच गया, अब ध्यान से सुनिएगा,
ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल तक पहुंचा, और हम पढ़ कहां से रहे हैं, फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन। तो पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन से लेकर के इस पॉलन ट्यूब की इस ओव्यूल में एंट्री तक को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू द ओव्यूल इज रिफर्ड एज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हम ये कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स का डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा से लेकर के जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है, इस पूरे इवेंट को हम बोल रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सो द ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल आर डिफाइंड एज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इन सारी प्रोसेसेस को पॉलन के डिपोजिशन से लेकर के जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर गई है, इस पूरी इवेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये जो इंटरैक्शन है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब कि यहां पे एक रिकॉग्निशन है विच इज फॉलोड बाई द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं डायनेमिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक प्रोसेस। अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन डायनेमिक प्रोसेस है, अगर आपके पास इसकी एक अच्छी खासी नॉलेज है, या कोई प्लांट ब्रीडर है उसके पास प्रॉपर नॉलेज है अबाउट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी में। जब प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जो प्लांट ब्रीडर्स, वो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में ये सारी जानकारियां रखते हैं। वहां पे इवन इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन को, या ऐसे समझ सकते हैं कि इवन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन को मैनिपुलेट करके उसको डिजायरेबल बना सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ के जो केमिकल्स हैं जो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हमको इन केमिकल्स के बारे में पता होगा तो हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एक इनकरेक्ट, रॉन्ग या इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन को भी एक्सेप्ट करा सकते हैं स्टिग्मा के थ्रू या पिस्टिल के थ्रू। यानी कि हम इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन बोलेंगे, और इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन वैसे तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर हम मैनिपुलेशन कर दें, उन केमिकल्स में ऑल्ट्रेशन कर दें, तो विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन हम मैनिपुलेट करके इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल कंपैटिबल पॉलिनेशन बना सकते हैं। और यानी कि यहाँ पे हम इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक पॉलिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, कंपैटिबल बना सकते हैं, सिंपली बाई मैनिपुलेट करके इसको। तो अच्छी खासी अगर जानकारी है तभी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इस बात का बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है प्लांट ब्रीडर्स को। ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जस्ट बाई मैनिपुलेटिंग द इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन एंड मेकिंग इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन डिजायरेबल, उसको डिजायरेबल पॉलिनेशन बना करके। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलन्स हैं, इनका स्टिग्मा पे डिपोजिशन से लेकर के पॉलन ट्यूब्स की ओव्यूल के अंदर एंट्री तक के इस सारे इंटरमीडिएट इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। एनसीईआरटी ने एक स्ट्रेट सेंटेंस में लिख दिया है, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड एज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और हमने आपको बताया कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ट्यूब्स की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया कि अगर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का बेटर नॉलेज है तो बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स इस बात का बड़ा फायदा उठाते हैं। जस्ट
पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को मैनिपुलेट करके इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन को कंपैटिबल बना सकते हैं जस्ट टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक हाइब्रिड भी बनाया जा सकता है जस्ट बाई मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, ये पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम लोग लैब में भी मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी जब पॉलन ग्रेन्स पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन्स को आप लैब में देख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी ग्लास स्लाइड लीजिए, उस पर वाटर की एक दो ड्रॉपलेट डालिए, उस पर कुछ पॉलन ग्रेन्स स्प्रिंकल करिए और माइक्रोस्कोप में अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत सारे फैसिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग लैब में पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ को भी डिटरमिन या मेजर कर सकते हैं। अब की बार हमको सिंपल वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास स्लाइड नहीं डाल करके यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज करना है, दैट इज सुगर सॉल्यूशन। हम लोग यूज करेंगे किसका, सुगर सॉल्यूशन का। और ये जो सुगर सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे ये होगा 10% वेट बाई वॉल्यूम। और इस 10% वेट बाई वॉल्यूम के सुगर सॉल्यूशन को अगर हम ग्लास के स्लाइड पे दो चार ड्रॉपलेट्स डालते हैं और उसमें पॉलन ग्रेन्स डालते हैं, तो अगर हम 15 टू 30 मिनट तक वेट करें तो लगभग 15 से 30 मिनट के बाद हमको पॉलन ट्यूब्स फॉर्म होती दिखाई देंगी इस प्रिपेयर्ड ग्लास स्लाइड में। लेकिन अगर हम इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो हमें ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी लैब में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच वगैरह हो गया। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एट रूम टेम्परेचर बहुत सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली रन करती हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसको हम और ज़्यादा क्या बना सकते हैं, अप्रोप्रिएट बना सकते हैं, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट या कैटलाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो हमको टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना पड़ेगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अभी हमने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर के अराउंड होगा, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में बेटर ग्रोथ या ऑप्टिमम ग्रोथ हमको दिखाई देती है किसकी, पॉलन ट्यूब की। और अगर इस टेम्परेचर में हम पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को मेजर करना चाहें तो रेट तक मेजर कर सकते हैं और रेट हमको मिलेगी 1 to 6 mm पर आर, यानी कि इस रेट से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। एक घंटे में 1 to 6 mm तक पॉलन ट्यूब की लेंथ हमको बढ़ती दिखाई देगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दे रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर दे रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पॉलन ट्यूब के मेजरमेंट की, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए हमको पता होना चाहिए कौन से पॉलन का यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी कुछ प्लांट के पॉलन को मेंशन कर रही है, जैसे पी हो गया, चिक पी हो गया, क्रोटोलेरिया हो गया, बालसम हो गया, विंका हो गया, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो, दिस इज टोटली अप टू यू। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं पॉलन ट्यूब की ग्रोथ या पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, इवन रेट भी डिटरमिन कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज कर दें तो ऑप्टिमम रेट हमको दिखाई देगी। ये इतनी बात आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पता होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करें जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूं, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलन ट्यूब है, इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पॉलन ट्यूब यहां से स्टिग्मा के पोर से एंटर करेगी, स्टाइल के अंदर इंटरमीडिएट टिश्यूज को डाइजेस्ट करती हुई विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिनेज एंटर करेगी ओव्यूल में माइक्रोपाइलर पोर की हेल्प से, क्योंकि यहां पे ऑब्ट्यूरेटर इसको गाइड करेंगे। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि स्पेशल थिकनिंग है ऑन द वॉल ऑफ साइनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करेगा और साइनर्जिड से जो केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं इनोसिटॉल या कैल्शियम वगैरह वो भी इसको गाइड करेगा। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि पॉलन ट्यूब जो है तीन लोग मिलकर के इसको गाइड कर रहे हैं,
तो फॉर श्योर ये इधर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्टुरेटर है, यहाँ पे साइनर्जिड और फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो इन सब को यहाँ पे बुला रही है। तो केमिकल सेंस में जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स होकर रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, वो पॉलन ट्यूब को लेकर के जाएगा माइक्रोपाइलर एंड के साइड, और वहां से माइक्रोपाइलर कोर के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू ये ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस फिनोमेना को बोल रहे हैं पोरोगैमी। इसको मैं बोल रहा हूं पोरोगैमी। इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर पोर, तो इसको मैं बोल रहा हूं पोरोगैमी। और ये पोरोगैमी हमको देखने को मिलेगी इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, कुछ प्लांट्स में कहीं से भी एंटर कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू ही पॉलन ट्यूब एंटर करे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक या मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता भी यही है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपोल के थ्रू से, माइक्रोपाइलर पोल के थ्रू से, माइक्रोपाइल की हेल्प से अंदर जाएगा ओव्यूल के। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये डायरेक्ट जा सकता है, यानी कि ये पॉलन ट्यूब जो है चलाजल पोल की साइड से ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकता है। और अगर चलाजल पोल के थ्रू एंटर करेगा पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, तब मैं इसको बोल रहा हूं चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। इसको मैं बोल रहा हूं चलाजोगैमी। चलाजोगैमी हमको देखने को मिलती है कैजुराइना में, वॉलनट में, कैजुराइना और वॉलनट, जिसको हम लोग जुगलन्स भी बोलते हैं। कम से कम दो नाम याद रखना है आपको। और ये पॉलन ट्यूब जो है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये इस इंटेगुमेंट से भी एंटर कर सकती है, या फिर ये पॉलन ट्यूब इस फ्यूनिकल के थ्रू भी एंटर कर सकती है। अगर इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करेगी तब मैं इसको बोलूंगा मीजोगैमी। बीच में कहीं से अगर एंटर कर जाए तब इसको हम लोग बोलेंगे मीजोगैमी, मीजोगैमी बोलेंगे। मीजोगैमी में दो जगह से एंटर कर सकता है, या तो इंटेगुमेंट के थ्रू या फिर ये फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस के थ्रू एंटर कर सकता है। एग्जांपल हमको याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर करेगा कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली कुकुरबिट्स में, जैसे कि पंपकिन वगैरह हो गया, मेलन्स वगैरह। और फ्यूनिकल में एंटर करेगा ये, जैसे कि पिस्तासिया हो गया, पॉपुलस हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जांपल्स, लेकिन कम से कम हमको एक एक दो दो याद रखने हैं। तो अगर डायरेक्ट एंटर करेगा इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एंटर कर रहा है किधर से, माइक्रोफाइल से, तो पोरोगैमी। सलाजल पोल के थ्रू एंटर कर रहा है चलाजोगैमी, कैजुराइना, वॉलनट में। लेकिन अगर इंटेगुमेंट या फिर फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करेगा तब इसको मैं बोलूंगा मीजोगैमी। इंटेगुमेंट में कुकुरबिट्स में, और फ्यूनिकल के थ्रू एंटर करता है पिस्तासिया या पॉपुलस प्लांट में। एक एक एग्जांपल कम से कम हमको याद रखने हैं। दो और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, अगर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, तो वो अपने आप मूव करके पहुंच सकता है अप टू फीमेल गैमेट जस्ट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेल गैमेट्स आर नॉट मोटाइल, और वी कैन से मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, सो दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। ये अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। इस वजह से पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेकर के आ रही है अप टू फीमेल गैमेट। तो अगर मेल गैमेट अपने आप मूव करता, जो कि यहां पे नहीं कर पा रहा है, तब मैं उसको बोलता ज़ुआइडोगैमी, ज़ुआइडोगैमी। जहां पे मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, अपने आप मूव करके पहुंच जाते हैं फीमेल तक, तब मैं उसको बोलता ज़ुआइडोगैमी। यहां पे When male gametes are not non-motile and carried out with the help of pollen tube up to the female gamete, तो इसको हम लोग बोलेंगे siphonogamy, siphonogamy। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमने आपसे करी, एक zoidogamy जब male gametes motile हो, खुद मूव करेंगे, अपने आप जाएंगे up to the female gamete,
और मेल गैमेट्स अगर नॉन मोटाइल है जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में है, तो यहाँ पे मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है पॉलन ट्यूब, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन्स जो कंपैटिबल हैं, हम सिर्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स जो कंपैटिबल हैं वो क्या सिर्फ एक टाइम पे एक ही पॉलन जर्मिनेट कर सकते हैं ऑन द स्टिग्मा? मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स में, क्या सिर्फ एक कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आउट ऑफ ऑल दिस कंपैटिबल पॉलन ग्रेन ही ग्रो कर सकता है या जर्मिनेट कर सकता है ऑन द स्टिग्मा, या फिर अगर कई सारे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आ गए हैं तो वो सारे के सारे या उसमें से कई सारे क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे भी यहाँ पे दो कैटेगरी है कि अगर एक सिंगल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है एट अ टाइम तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरी, या इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसाइफोनस। मोनोस्पोरी नहीं, सॉरी गलती से फ्लो में निकल गया था, मोनोसाइफोनस कंडीशन बोलेंगे इसको। और अगर मोर देन टू या कई सारे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो रहे हैं ऑन द स्टिग्मा एट अ टाइम तब इसको हम लोग बोलेंगे, दो से ज्यादा के लिए टर्म यूज करते हैं पॉली, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉली साइफोनस कंडीशन। ये मोनोसाइफोनस कंडीशन हमको देखने को मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, लेकिन पॉलीसाइफोनस कंडीशन दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमको याद रखते हैं, जैसे कि मालवेसी फैमिली में जहां पे रिविस्कस वगैरह एग्जांपल आते हैं, और कुकुरबिटेसी फैमिली में। जहां पे मेलन्स वगैरह पंपकिन वगैरह आएंगे, तो अगर ढेर सारे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आए हैं तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में केवल एक ही कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा ऑन द स्टिग्मा, कंडीशन को बोलेंगे मोनोसाइफोनस, कंडीशन को बोलेंगे मोनोसाइफोनस। और अगर कई सारे पॉलन ग्रेन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन एक टाइम पे जर्मिनेट होने लगे स्टिग्मा पे, यानी कई सारी पॉलन ट्यूब एंटर करें एक साथ एक ही टाइम पे स्टाइल के अंदर, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइफोनस। मालवेसी फैमिली में जैसे हिबिस्कस वगैरह में, और कुकुरबिट्स में जैसे कि पंपकिन और मेलन वगैरह में हमको देखने को मिलता है। आप लोग बहुत आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे मेलन वगैरह हो गया, पंपकिन वगैरह हो गया, या फिर जो भी सीड्स, जो भी फ्रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल सीड्स, बहुत थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एक साथ, फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो सीड्स बनते किससे हैं, ओव्यूल से, तब जब जाइगोट कन्वर्ट होता है जिसमें एम्ब्रायो में, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और वी कैन से आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन। तो यानी कि यहाँ पे कई सारे क्या बने होंगे, जाइगोट बने होंगे, और कई सारे यहाँ पे क्या बने होंगे, ओव्यूल ऑलरेडी रहे होंगे ओवरी के अंदर, तो हर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट रही होगी। तो एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर एक फीमेल गैमेट होती है, तो यहाँ पे जाइगोट कई सारे बन रहे हैं ताकि कई सारे सीड्स बन पाए, तो यहाँ पे एक ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, तो हर एक ओव्यूल को एक एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमेट, या कह सकते हैं दो मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब के थ्रू आ रहे होंगे, तो कई सारे पॉलन ट्यूब एक साथ कई सारे मेल गैमेट्स को लेकर के आएंगी, वो अलग अलग इसमें जाएंगे, ओव्यूल के अंदर जाएंगे, अलग अलग फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेंगे, और सारे के सारे सीड जो है वो कन्वर्ट, सारे के सारे ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड में, जब जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रायो में, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जिस फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा थाउजेंड्स ऑफ अगर सीड्स हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ट्यूब्स एंटर कर रही होंगी एक साथ उनके ओवरी के अंदर, या फिर कह सकते हैं उनके स्टाइल के थ्रू, कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइफोनस।